रियल एस्टेट समूह M3M के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने पंकज बंसल और बसंत बंसल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय ईडी ने गिरफ्तारी के आधार को मौखिक तौर पर बताया था। बंसल का केस लड़ रहे थे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट ने तब माना था कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार सिर्फ पढ़कर सुनाने या उसे पढ़ने के लिए देने से संविधान और लीगल प्रोटेक्शन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोर्ट के मुताबिक जमानत पाने के लिए आरोपी को यह साबित करना होता है कि उसकी गिरफ्तारी उचित आधार पर नहीं हुई है। इसके लिए जरूरी है कि आरोपी को पता हो कि उसकी गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है और जमानत के लिए तभी वो दलील दे पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 3 अक्टूबर 2023 को आया था। इस दिन दिल्ली पुलिस ने दो व्यक्तियों को चीन प्रोपेगेंडा फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार किया था। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को बंसल केस के आधार पर जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक कहा जा रहा है क्योंकि इनके खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी के आधार लिखित तौर पर देने होते हैं और मौजूदा मामले में रिमांड ऑर्डर से पहले रिमांड की कॉपी आरोपी प्रबीर और उनके वकील को मुहैया नहीं कराएगी। कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड के आदेश से पहले रिमांड अर्जी की कॉपी आरोपी को मुहैया नहीं कराए जाने से उसकी गिरफ्तारी और रिमांड निरस्त हो जाते हैं। ऐसे में आरोपी रिहाई का हकदार है। कोर्ट ने पंकज बंसल केस में दिए गए फैसले का हवाला दिया और ये कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कानून की नजर में मान्य नहीं है और वो आदेश खारिज कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों अहम हो सकता है? कानून के जानकारों का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। दरअसल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल केस में शीर्ष अदालत के फैसले को रेफर किया है और आरोपी को जमानत दी है। साल 2018 से 22 के बीच तकरीबन 8000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी UAPA के तहत हुई है। अब ऐसे में उन लोगों के लिए ये एक उम्मीद का फैसला साबित हो सकता है जिसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि गिरफ्तारी का कारण और गिरफ्तारी का आधार दोनों में फर्क होता है। गिरफ्तारी के आधार में डिटेल में आधार गिनाए जाते हैं कि क्यों गिरफ्तारी जरूरी थी और आरोपी को मुहैया कराना क्यों जरूरी है, ताकि उसके आधार पर आरोपी रिमांड के दौरान अपना बचाव कर सके। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ये कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया और ये संविधान के स्कीम का उल्लंघन है। FIR की कॉपी नहीं दी गई, गिरफ्तारी और रिमांड आदेश से पहले रिमांड की कॉपी तक नहीं दी गई। यह अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। रात को पकड़ा गया और गिरफ्तारी का आधार भी ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपता है कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जांच पर पता चला कि नेविल रॉय सिंघम इन संगठनों की फंडिंग कर रहे थे। इसमें न्यूज क्लिक का भी नाम आया था। 7 अगस्त को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हैं और 17 अगस्त को दिल्ली पुलिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज करती है। कई पत्रकारों से पूछताछ होती है जिसमें अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश प्रांजे गुहा जैसे नाम शामिल थे। इस केस में पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ को भी और अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया और बाकियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।